हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनय शुक्ला। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के तहत इसका इंट्रोडक्शन क्या है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस इकोनॉमिक सिस्टम के तहत हम किस इकोनॉमिक्स को किन किन सेक्शनों में डिवाइड करके हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, आगे किन खंडों पर हम बात करने वाले हैं, ताकि आपके IAS प्रिपरेशन के तहत प्री और कम मेन्स, ये तो कोचिंग की बात है, ताकि प्री और मेन्स की सटीक तैयारी आपकी हो सके। दोस्तों, बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या दोस्तों? इकोनॉमिक्स इको मानिया शब्द से मिलकर बना है। आखिर इसका हमें पोस्टमार्टम करना है तो पूरा बात करनी पड़ेगी ना। दोस्तों, इकोनॉमिक्स ओइको मानिया शब्द से मिलकर बना है। ओइको मानिया, ये ओइको मानिया शब्द ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड ओइको मानिया, ओइकोस एंड नोमोस, ये दोनों शब्द से मिलकर बना है ओइको मानिया। ओइकोस का अर्थ होता है दोस्तों गृह या परिवार, साथ में नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। तो हम सही भाषा में बात करें तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत हम गृह प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की सही परिभाषा नहीं है। अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं अधिक विस्तृत है। दोस्तों, तो है क्या दोस्तों इकोनॉमिक वह विषय है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के साथ साथ उपभोग, इन तीनों प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन तीनों प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स देखिए ताकि आपको, इकोनॉमिक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। अब सोचने वाली बात है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? माइक्रो को हिंदी में कहते हैं व्यष्टि और मैक्रो को कहते हैं समष्टि। व्यष्टि को हम कहते हैं सरल भाषा में सूक्ष्म और समष्टि को सरल भाषा में कहते हैं बड़ा। क्या कहते हैं? बड़ा। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का वह सूक्ष्म हिस्सा है जिसके तहत हम अर्थव्यवस्था का आधार तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म हिस्सा है क्या? तो पहला भैया परिवार, दूसरा है औद्योगिक इकाई। क्या है? औद्योगिक इकाई। दोस्तों, परिवार कैसे अर्थव्यवस्था का आधार तैयार करती है, ये बात करते हैं। दोस्तों, अगर सोचिए आप, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक परिवार के पास आय होगी, इनकम होगा उसके पास, या उसके पास रोजगार होगा, रोजगार होगा तो आय तो आनी ही आनी है। फिर उसके पास इनकम होगा तो क्या होगा? वो उपभोग की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वो उपभोग की ओर बढ़े तो जाहिर सी बात है मांग जनरेट होगा, मांग पैदा होगी। मांग के जनरेट होने से क्या होता है? ये उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, मांग उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। उत्पादन को प्रोत्साहित होने से आपका GDP बढ़ता है। GDP के बढ़ने से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि, जिसे हिंदी में कहते हैं, वो सुनिश्चित होता है। तो हमने देखिए कैसे माइक्रो इकोनॉमिक से, सॉरी परिवार, एक परिवार कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, अरे सॉरी एक हिस्सा तो छूट गया, औद्योगिक इकाई कैसे सुनिश्चित करती है। औद्योगिक इकाई ये जो परिवार के तहत मांग जनरेट हो रहा है इसके उत्पादन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, इसके उत्पादन के द्वारा इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करती है, इस मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करती है उत्पादन करके। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एकदम पूरा डिटेल कह देते हैं कि क्या है सर, पूरी सही बात, मतलब पूरी सरल भाषा में। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का वह सूक्ष्म हिस्सा है, अर्थशास्त्र का वह सूक्ष्म हिस्सा है जिसके तहत अर्थव्यवस्था का आधार तैयार होता है, जैसे परिवार, औद्योगिक इकाई। लेकिन दोस्तों, माइक्रो समष्टि अर्थशास्त्र के तहत या
राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अब आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी क्या चीज़ें जिसका अध्ययन किया जाता है, दोस्तों है जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ा ना वो है नेशनल इनकम। अब बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये भी आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ परिचय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, मुद्रास्फीति, लिख लेता हूँ मुद्रास्फीति, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये सब क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसके तहत अर्थशास्त्र के तहत माइक्रो समष्टि अर्थशास्त्र के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इनका अध्ययन करते हैं। तो अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ओके, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। दरअसल दोस्तों इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। अर्थशास्त्र वर्सेस अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र विषय है और अर्थव्यवस्था विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु है, मतलब अर्थशास्त्र वह विषय है और इस विषय का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम, अर्थव्यवस्था उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थव्यवस्था, इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। एक जो सामान्य रूप से जो इसके अंतर को बताते हैं वह है कि अर्थशास्त्र जो है थ्योरी है, क्या है, थ्योरी है, अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकल रूप है अर्थशास्त्र का, क्या है, प्रैक्टिकल रूप है अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में आपने अंतर समझ लिया, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इसके कारक क्या हैं, मतलब प्रभावित करने वाले और इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करने वाले कारक क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है, ये सब बात करेंगे। तो आई होप आपको अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अगर हमको समराइज करें कि अर्थशास्त्र है क्या, तो एक धारा प्रवाह की भाषा में इसको समराइज करते हैं, ठीक है, चलिए तो फिर ध्यान से सुनिए दोस्तों। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ओइकोनॉमिया, एक यूनानी शब्द है ओइकोनॉमिया से हुई है। ओइकोनॉमिया शब्द ओइकोज और नोमोज दो शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोज का अर्थ होता है गृह अथवा परिवार, जबकि नोमोज का अर्थ होता है प्रबंधन, अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय जिसके तहत हम गृह प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र की सामान्य परिभाषा है, साधारण परिभाषा है, अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके माध्यम से वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन वितरण एवं उपभोग, उत्पादन वितरण एवं उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र रूपी इस विषय के विषय वस्तु को अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र रूपी अर्थशास्त्र रूपी इस विषय के विषय वस्तु को अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। उत्पादन वितरण उपभोग के प्रबंधन की इसी प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में दो रूपों में बांटा जा सकता है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के उन सूक्ष्म हिस्सों का अध्ययन करती है जिनसे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। मैंने बताया था अर्थव्यवस्था का आधार तैयार होता है, ठीक है दोस्तों। वही दूसरी ओर अर्थात एक परिवार औद्योगिक इकाई मांग एवं आपूर्ति एवं उस बाजार का अध्ययन जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद होती है। अन्य शब्दों में एक परिवार एवं औद्योगिक इकाई के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र है। इससे भिन्न जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर हो तब यह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, आर्थिक नीति, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी इत्यादि का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर एक दूसरे के न केवल संबंध है अपितु एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं, जैसे कि आर्थिक नीतियां मांग एवं आपूर्ति को एवं मांग आपूर्ति आर्थिक नीतियों को। अब अगले सेक्शन में बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तब तक के लिए और एक बात और, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया
हर काम में, हर सामान्य मतलब हर वीडियो में यही कहा जाता है, तो मेरे लिए कोई नया नहीं है, आपके लिए भी नया नहीं होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक तो पहुँचाने का प्रयास करें जो सीधे कोचिंग के माध्यम से ना जुड़ पाए। ठीक है, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऐसा करो भाई।